हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। MMRC की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि कल ही पोस्ट हुई है, 9/3 को ही पोस्ट हुई है और लास्ट डेट इसकी 23/3 रहने वाली है। इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और ये वैकेंसी कहाँ आई है, किसके लिए आई है, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं MMRC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ जो है इनका कैरियर पेज है। इसको बताने से पहले मैं आपसे 2 से 3 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये दोस्तों, अभी तक जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन नहीं किया है, थोड़ा याद से कर दे यार, एक सेकंड लगेगी। इसके साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, देखिए अगर आपको अर्जेंट हायरिंग जॉब अपडेट चाहिए वो तभी मिलेगी जब आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी 50K सब्सक्राइबर टेलीग्राम के आसपास हो चुके हैं, वहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अर्लीस्ट हायरिंग चाहिए तो, और कोई भी अपडेट आपके हाथों से मिस ना हो जाए इसीलिए अपॉर्चुनिटी को ज़रूर क्लिक करके देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। ये आई है कल, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो आपको जो ये वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बात कर लेता हूँ वैकेंसी की, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा महा मेट्रो डेट 8/3 को नागपुर पुणे एंड नवी मुंबई के एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन महा मेट्रो डेप्यूटेशन बेसिस और पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं और ये जो है लास्ट डेट 23/3 रहने वाली है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रीड करना है तो उसको व्यू डिटेल करके आप देख लीजिएगा, व्यू डिटेल। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके की सीट ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ बात कर लेते हैं क्या यहाँ ऑल इंडिया वाले एलिजिबल है। जी हाँ, इन्होंने साफ साफ बोला है अगर आप महाराष्ट्र में MMRC के अंदर ज्वाइन होना चाह रहे हैं और आप पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी मतलब ऑल इंडिया से आप हैं तो आप यहां एलिजिबल है। बस इन्होंने बोला है कि आपका जो एक्सपीरियंस मेट्रो रेलवे PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर PSU मेट्रो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर किसी भी बड़ी MNC या फिर किसी भी EPC कंपनी में आपने काम किया है, दैट इज़ गुड फॉर आपके लिए और आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक। दोस्तों इन्होंने सबसे पहली वो पोस्ट है जॉइंट चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, एक वैकेंसी है। सैलरी रहेगी 90,000 से लेके 2,40,000 के आसपास। क्या मांगा है? BE BTEC इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम किसी भी गवर्नमेंट या फिर कहीं से भी आपका होना चाहिए, आपके पास 14 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो इन्होंने मांगा है सीनियर डेप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, एक वैकेंसी है, 80,000 से लेके 2,20,000 के आसपास रहेगी। आपका BE BTEC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में आपसे मांगा गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की, जो सीनियर डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर सिग्नल के लिए मांगा गया है 80,000 to 2,20,000 के आसपास आपका मांगा गया है और BE BTEC इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका होना चाहिए, आप यहां एलिजिबल है। बात कर लेते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपके पास 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस वाले पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो आगे सीनियर डेप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट, इसमें 2 वैकेंसी है, 80,000 to 2,20,000 और BE BTEC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका होना चाहिए। बात कर लेते हैं 11 इयर्स का इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका भी सेम ही मांगा है। नेक्स्ट जो आगे सीनियर डेप्यूटी जर्नल मैनेजर, इसमें भी सेम ही इन्होंने मांगा है। डेप्यूटी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, इसमें भी सेम ही मांगा है। नेक्स्ट जो आ गया मैनेजर में मांगा है इन्होंने सिविल एंड ओ एंड एम क्या होता है दोस्तों? ओ एंड एम का मतलब होता है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की, तो 60,000 से लेके 1,80,000 के आसपास इन्होंने मांगा है। और क्या होना चाहिए? BE BTEC सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। और इनडायरेक्टली आपको जो एक्सपीरियंस की डिमांड की है इन्होंने की है 4 ईयर एक्सपीरियंस की डिमांड, मतलब 4 ईयर एक्सपीरियंस डिमांड होना चाहिए। और आपकी CTC रहेगी 13 लाख रुपये। जी हाँ, 1 लाख आपको नजर आ रहा होगा, 100,000, 10,000 लाख दोस्तों आपकी जो रहेगी पर मंथ 1,30,000 के आसपास रहेगी। कुल मिला के जो CTC रहेगी 16 लाख रुपए के आसपास आपकी रहेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो आ गया आपका मैनेजर PST फॉर नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में, 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। BE BTEC मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने कर रखा हो तो आप यहाँ एलिजिबल है। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो वही आपकी 1,30,000 रुपये पर मंथ रहेगी।
सैलरी, और ये CTC रहेगी, इन हैंड कट पिटा के आपके हाथ में आएंगे कुल मिला के 1 लाख के आसपास। नेक्स्ट जो आ गई असिस्टेंट मैनेजर सिविल E1 फॉर नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, और 50,000 से लेके 60,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। BE BTech मांगा है सिविल से, और आपका एक्सपीरियंस मांगा है 3 ईयर्स का, और आपका जो पे स्केल रहेगा दोस्तों, पे स्केल रहेगा आपका 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ आपका यहाँ सैलरी रहने वाली है। ऐसी असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट में मांगा है, प्रोक्योरमेंट में आपसे मांगा है नागपुर मेट्रो में रेल प्रोजेक्ट के लिए 50,000 to 1,60,000 रहेगी, और BE BTech सिविल से मांगा है आपका, और यहाँ एक्सपीरियंस की अगर डिमांड कर लेते हैं कुल एंड कुल 5 ईयर्स का या फिर मिनिमम 3 ईयर्स का आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल एनवायरमेंट में आपका BE BTech सिविल से होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस की डिमांड की है कुल 3 ईयर्स की डिमांड की है, बहुत ही अच्छी है ये वाली। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी मांगी है, इन्होंने ट्रैक कंट्रोलर के लिए मांगी है, एक वैकेंसी है वही सेम सैलरी इसमें रखी है, इसमें भी इन्होंने 3 ईयर्स की रिक्वायरमेंट मांगी है, और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से BE BTech होनी चाहिए, आप यहाँ एलिजिबल है। नेक्स्ट आ गया असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग, प्लानिंग में भी सिविल वालों के लिए BE BTech वालों को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो आपकी जो सैलरी रहेगी 40,000 से 1,25,000 के आसपास रहेगी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल वालों को इन्होंने डिमांड की है, 3 वैकेंसी है 46,000 से लेकर, और इसमें BE BTech सिविल से डिमांड की गई है, और एक्सपीरियंस की अगर बात कर लेते हैं टोटल 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, और आपकी सैलरी रहेगी 50,000 पर मंथ। जी हाँ, 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट जो आ गया सीनियर सेक्शन इंजीनियर डिजाइन वालों के लिए, इसमें भी आपका BE BTech सिविल से होना चाहिए, और इसमें भी आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर ट्रैक वालों के लिए, इसमें भी आपकी 50,000 रुपए वैकेंसी रहने वाली है, और आपसे रिक्वायरमेंट क्या की है, सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट की है। ऑफिस असिस्टेंट O&M के लिए इन्होंने बोला ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। दोस्तों आप किसी भी ब्रांच से BE BTech कर रखी है, आपने सिविल से कर रखी है, आपने मैकेनिकल से कर रखी है, आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी है, किसी भी ब्रांच से कर रखी है, आप यहां एलिजिबल है। बात कर लेते हैं सैलरी की, सैलरी में इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपकी जो है CTC 25,000 पर मंथ रहेगी, और डेजिग्नेशन क्या रहेगी, ऑफिस असिस्टेंट की। दोस्तों ये थी वैकेंसी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर होगा डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी होगी। डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन में जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना होगा। अप्लाई करने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, महामेट्रो एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपको डालना है, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास, और पोस्ट अप्लाइड किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो तो आप नोटिफिकेशन करके ही करेंगे। ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के बाद आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और इसको अप्लाई जरूर कर दें। बात करते हैं लिंक्स की, ऑल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।